हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्प्लिट के बारे में। ये स्प्लिट क्या है, इसको किस प्रॉब्लम में यूज किया जाता है, इसके प्राइस क्या है और इसका साइड इफेक्ट क्या है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में स्प्लिट, ये अग्रवाल ड्रग्स कंपनी की है। इसके प्राइस है 52 रुपीज़। ये स्प्लिट आपको बहुत सारे कंपनी की मिल जाएगी, आपको मार्केट में अवेलेबल है, मेडिकल स्टोर पे कहीं भी मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं आप आइसोप्रोपाइल रूबिन अल्कोहल। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसको किस किस प्रॉब्लम में यूज़ किया जाता है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले उस जगह को साफ करते हैं इससे, स्प्लिट से, उस जगह का बैक्टीरिया हट जाए, साफ हो जाती है, फिर इंजेक्शन वो लगाते हैं। ये स्प्लिट मेडिकल स्टोर और क्लिनिक में ज़्यादा यूज़ होता है। दूसरा यूज, इसको बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपका घाव हो या खरोच या जल गया हो तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उस जगह को आप कॉटन लीजिए और स्प्लिट से साफ कर लीजिए, सही हो जाएगा। इसका इस्तेमाल करते वक्त आपको हल्की सी जलन होगी, थोड़ी देर बाद सही हो जाएगा, ठंडा ठंडा लगेगा, उसके बाद सही हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके तीसरे यूज़ के बारे में। इसका ऑपरेशन से पहले, चीज लगाने से पहले और टाँका लगाने से पहले उस जगह को इससे अच्छी तरह साफ किया जाता है ताकि उस जगह पर कीटाणु ना रहे, अंदर तक नहीं जाए। तो दोस्तों, स्प्लिट का यूज़ इन सभी कामों में किया जाता है, इसका अच्छा रिजल्ट है स्प्लिट। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ सावधानियों के ऊपर। इस स्प्लिट को बच्चों के पहुँच से दूर रखें और आँख से, गर्म जगह से दूर रखें, किसी ठंडे टेम्परेचर जगह पर रखें। ये ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ही यूज़ कर सकते हैं, नहीं, इसको आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि चोट लग गया, खरोच हो गया, जख्म हो गया, तो उसको साफ़ करने में इसका अच्छा रिजल्ट है, उसको साफ़ कर दीजिए इससे। और दोस्तों, ये दवाई पीने योग्य नहीं है। और इसके बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बाद, जलन, खुजली, लालपन हो सकती है, डरने वाली बात नहीं है, ऐसे नॉर्मल ही है। दोस्तों, इन सभी बातों का ध्यान रख के फिर यूज़ करें, ठीक है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।